रिपब्लिक भारत आपका पसंदीदा, आपका नंबर वन, भारत का नंबर वन न्यूज चैनल अब एक नए अवतार में। अभिनेत्री और मंडी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत हाल ही में कुल्लू स्थित बिजली महादेव मंदिर पहुंची थी, जहां उन्होंने महादेव के दर्शन किए और जाहिर है जीत का आशीर्वाद लिया। साथ ही उन्होंने मंदिर के आसपास मौजूद उनके समर्थकों के साथ तस्वीर भी खिंचाई। कंगना ने मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन करने का अपना अनुभव साझा किया। बहुत जबरदस्त अनुभव रहा। देखिए, जो यात्रा होती है महादेव के लिए, जो यात्रा होती है वो उसमें परिश्रम तो लगना ही चाहिए। ये हमारे हिंदू धर्म का ये सबसे ज्यादा जो है आवश्यक, देख लीजिए, हम जब मेडिटेशन भी करते हैं तो हमेशा आसन के बात करते हैं, हठ योग के बात करते हैं, ताकि पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाए। तो लोगों को इस तरह की पिलग्रिमेज लेनी चाहिए। मैं कहूंगी कि जो हमारा हिमाचल है अध्यात्म की दृष्टि से, जगह जगह जो है पांडवों ने, जगह जगह जो है शिव पार्वती जी ने, कार्तिकेय स्वामी ने, न जाने कितने ऋषियों ने, पराशर ऋषि से लेकर आज मैं वहां भी गई, रोवालसर में मैं जो है लोमत ऋषि के मंदिर में गई। तो ऐसे हमारे यहाँ पे न जाने कितने जो है वो आध्यात्मिक पर्यटन के करके हिमाचल में आध्यात्मिक पर्यटन को भी हम बढ़ावा देंगे। और भी हम लोग चाहते हैं कि योग की दृष्टि से यहाँ पर लोग आएं, योग में जाएं, ना कि सिर्फ ताजी हवा लेकिन मन की शांति को जो है वो पाएं। इसके साथ ही जब कंगना से स्वाति मालीवाल को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये एक सवाल राष्ट्रीय राजनीति से, स्वाति मालीवाल ने आज एनआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि वो सीएम आवास में उनको पीटा जाता रहा और चिल्लाती थी, लेकिन सीएम या उन पार्टी का कोई और मदद के लिए नहीं आया। ये दुखद है बिल्कुल। देखिए, करप्ट मैं कहूंगी कि जिन लोगों का कोई चरित्र नहीं है, कितने घोटाले करके जेल से जो है आप सत्ता नहीं छोड़ना चाह रहे, आपको नैतिक आधार पे सत्ता छोड़ देनी चाहिए, फिर भी आप जो है वो जेल से ही कह रहे हैं कि मैं वहां से ही जो सीएम बन के, जो ऐसे जो लोग जेल जा रहे हैं निश्चय ही देयर कैरेक्टर इज क्वेश्चनेबल ना। मंदिर में दर्शन के बाद कुल्लू से मंडी लौटते समय स्थानीय लोगों से भी कंगना रनौत मिली। स्थानीय लोगों ने भी फूलों के साथ उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि कंगना रनौत मंडी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं। परंपरागत रूप से यह सीट राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस का गढ़ रही है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में 1 जून को मतदान होना है, जब कंगना समेत अन्य दलों के उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला जनता करेगी। 2019 के फरवरी में मैंने रिपब्लिक भारत शुरू की। इतनी सपोर्ट मिली हमारे राष्ट्रवादी चैनल को कि एक साल के अंदर भारत का नंबर वन चैनल हो गया। उसके बाद कई लोगों ने मेरे खिलाफ और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ साजिश की, वो तो सब आप जानते हैं दोस्तों, दोहराने की जरूरत नहीं। आज मैं उन सब लोगों को कहना चाहता हूं कि रिपब्लिक भारत एशिया के सबसे बड़े न्यूज रूम से ऑपरेट करेगा और एशिया के सबसे बड़े स्टूडियो कॉम्प्लेक्स, जिसको हमने संघर्ष और तपस्या से बनाई। और आज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जितने मेरे शुभचिंतक हैं जिन्होंने सोचा था कि अर्नब गोस्वामी को रिपब्लिक भारत से दूर कर देंगे, उन्हें फिर से सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं अर्नब गोस्वामी कभी रिपब्लिक भारत नहीं छोड़ सकता और रिपब्लिक भारत पे ही मैं वापस आ रहा हूं।